गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों बनी हुई हूँ, तो विंटर है भाई, विंटर आ चुका है, इसलिए हम लोग ऐसे बने हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्रिसमस का कुछ शॉपिंग करने, तो आपको भी दिखाएंगे जब हम लोग जाएंगे। थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, मैं और माही, और साथ ही साथ हम लोग माही के पापा के शॉप पे भी जाएंगे, है ना बेटा? तो शॉप पे भी जाएंगे, तो भी चलिए फटाफट से हम लोग निकलने का तैयारी करते हैं और देखते हैं क्रिसमस पे नया नया क्या चीज़ आया हुआ है मार्केट में, वही देखेंगे और एक दो चीज़ें खरीदेंगे। सो लेट्स गो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं क्रिसमस डेकोरेशन का कुछ सामान वगैरह लेके, और पिछले साल की तरह इस बार मुझे उतना भीड़ भाड़ नहीं लगा। बहुत कम क्रिसमस ट्री वगैरह जहाँ से मैंने पिछले साल लिया था, पिछले साल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्रिसमस ट्री वगैरह सब कुछ मिल रहे थे, लेकिन इस बार मुझे कुछ भी उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत बड़ा सा एकदम क्रिसमस ट्री लेना था इस बार, लेकिन मुझे मिल रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था। अभी देखती हूँ, शायद एक दो दिन में ले लूँ, नहीं तो गाइस आई थिंक ये इसलिए हुआ क्योंकि आज बस 19 है, आप पिछले दिन बाद फिर से मिले और फिर हम लेट भी गए थे, है ना? हाँ, हो सकता है आज 20 बड़ा सा क्रिसमस ट्री चाहिए था जो एकदम फ्लोर पे रख दूँ और एकदम लंबा सा मुझे वहाँ पे रखने के लिए चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। तो देखती हूँ एक दो दिन में नहीं मिलेगा तो मैं फिर वही छोटे वाले क्रिसमस ट्री को सजाऊंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या मैंने क्या क्या लिया। ओके, तो एक मैंने ये बॉक्स लिया है डेकोरेशन के लिए जिसमें ये सारी चीज़ें, ये आप लोग देख सकते, ये है एक, ये मैंने लिया है जिस मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है, राउंड है डेकोरेशन, और है। ये स्टार्स, और क्या और है एक ये स्टार्स है, क्या है ये कैंडी केन, तो ये है कैंडी केन, ये माही ने लिया है ना। और स्नोमैन नाम, दो चूहे थे छोटे मोटे थे छोटे मोटे थे चुन्नू मुन्नू इसका नाम रख दी ना, मैन का नाम होगा चुन्नू मुन्नू, तो ये माही का चुन्नू मुन्नू है। तो गाइस, तो बस यही कुछ मैंने क्रिसमस डेकोरेशन के लिए खरीद के लाया है, तो अभी इनको रखती हूँ और जब क्रिसमस ट्री देखती हूँ कौन सा लगाना है, वही छोटा वाला या फिर दूसरा लेके आती हूँ। जब पूरा क्रिसमस डेकोरेट कर लूंगी तब मैं इस वीडियो का एंड करूंगी, तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू। के वीडियो में होने वाला है क्रिसमस डेकोरेशन और कौन करने वाला है, ऑफकोर्स घर के बच्चे, तो माँ ही करने वाली है आज क्रिसमस डेकोरेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुल क्रिसमस थीम से पूरा ड्रेस भी पहनी हुई है, तो ये पैंट और ये हुडी आप लोग देख सकते हो, ज्यादा लग रहा है लेकिन कोई तो ब्लैक रेड व्हाइट एंड ग्रीन, हाँ तो ये तीनों जो है क्रिसमस से मिलता जुलता थीम है। पहले गा दो तुम पहले का क्रिसमस ट्री था छोटा सा, लेकिन वो क्रिसमस ट्री का क्या हाल हुआ है, जब मैंने ऊपर से उतारा तो उसको चूहों ने कतर दिया था, तो अभी माही ने थोड़ा सा अपने पापा से जिद किया तो उसका क्रिसमस ट्री आ गया है और आपको दिख रहा होगा पीछे, मैं घूम घूम के जब आपसे बोल रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा पीछे क्रिसमस ट्री, तो वो क्रिसमस ट्री आ चुका है। तो अभी माही उसको क्या करने वाली है डेकोरेशन, हल्का फुल्का तो मैंने पहले से ही कर रखा था, जैसे कि डाइनिंग टेबल मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने डेकोरेशन कर दिया था, हल्का फुल्का सा कवर वगैरह चेंज किया था जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे है हमारा क्रिसमस ट्री,
ये बहुत बड़ा है, पूरा रूम लग जाएगा दिखाने के लिए। ये सब पिछले साल का ये टोपी, तो ये सारा जो पिछले साल का है टोपी जिसे मैंने पैक करके रख दिया था, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ सजाने के लिए डेकोरेटिव आइटम। तो ये सब मैंने एक रील छोटा सा वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये आप लोग देख सकते हो स्टार। हाँ, ये नया आया आप लोग देखो ना? ना सारे डेकोरेशन है, पता नहीं कैसे डेकोरेशन करेंगे। क्रिसमस ट्री रेडी हो गया, आप लोग ये सब देख सकते हो। हम लोगों ने पूरा डेकोरेट कर लिया, लाइट जल रही है, डेकोरेशन हो गया है। तो अब हम लोग इसका शॉट आपको दिखाते हैं क्लोजअप से, सो लेट्स गो। सो गाइस, ये रहा हम लोग का क्रिसमस ट्री। वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी and a happy new year. Now bring us some figgy pudding, now bring us some figgy pudding, now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a merry Christmas and a happy new year. For we all like figgy pudding, for we all finally तो फाइनली आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो क्रिसमस गर्ल रेडी हो गई है, और यहाँ पे अभी माही करके दिखाने वाली है डांस। तो कौन सा डांस दिखाने वाली है? लेडीज का बॉस लेडी। हाँ, तो ये है माही का बॉस लेडी डांस। माही ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो माही ने फाइनली क्रिसमस ट्री, और हाँ हम लोगों माही का क्रिसमस ट्री, इस बार बिग क्रिसमस ट्री माही को चाहिए था, तो फाइनली माही का बिग क्रिसमस ट्री आ गया है और हम लोगों ने मिलके सजा लिया है। हमेशा पूरा करना चाहिए गाइस। तो अभी तो माही को ट्रीट देना होगा ना क्रिसमस ट्री सजाने का, अभी तो माही को कुछ मिलना चाहिए। अभी मैं माही को देने वाली हूँ ट्रीट। माही के लिए कुछ मंगा के रखा था, इधर देखो। तो अभी मैंने इसको आंख बंद करने के लिए बोला, अभी मैं निकालती हूँ इसके लिए। क्या है क्या है, अभी मैं निकालती हूँ। 1 2 3 आंख खोलो, ये रहा तुम्हारा क्रिसमस ट्री माही के लिए। ओह माय गॉड, मीठा खाने का कुछ मन नहीं था, लेकिन लंच के बाद खा सकती हूँ, है ना? हाँ, थैंक्स मम्मा, आई लव यू। मेरी क्रिसमस। सो गाइस, तो माही ने क्रिसमस ट्री तो सजा दिया है, तो उसको केक तो मिल ही गया है, लेकिन केक से वो उतना खुश नहीं है, क्योंकि उसको कुछ तीखा और चटपटा करना है। तो अभी तीखा चटपटा मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो मैं बनाने वाली हूँ पनीर चिल्ली का। तो उसके लिए अभी मैंने तैयारी करके रख लिया था फटाफट से। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, तो यहाँ पे है प्याज, ये है शिमला मिर्च, ये है हरी मिर्च, ये है तो प्याज का जो हरा हरा प्याज मिलता है पत्तों वाला, तो यहाँ पे प्याज का पत्ता है, प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है लीव्स का,
तो ये है, और ये है लहसुन। तो सारे सब्जियों को मैंने कट करके रख लिया है। और हाँ, आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के शिमला मिर्च भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ग्रीन कलर का था इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। आप लोग गाजर वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सब्जी कटा हुआ है और यहाँ पे है मेरा होम मेड पनीर जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो अभी इसे मैं फटाफट से पीसेस में कट कर लूंगी। और सब्जियों के साथ मैंने यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर को पानी में भिगो के रखा है, थोड़े से पानी में। और यहाँ पे मैंने भिगो के रखा है कॉर्नफ्लोर का, कॉर्नफ्लोर जो होता है उसे मैंने इसमें भिगो के रखा है। तो ये दोनों जो है बाद में ग्रेवी के लिए काम आएगा। अभी फटाफट से मैं सबसे पहले पनीर को करूंगी मैरिनेट, उसके बाद पनीर को मैं करूंगी फ्राई। तो यहाँ पे पनीर को मैंने पीसेस में कट कर लिया है पनीर को, और आप चाहो तो किसी भी साइज का पनीर ले सकते हो। तो मैंने इस साइज में कट किया है। तो फटाफट से अब मैं इसे इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ बाउल में। तो अब इसमें क्या क्या जाएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा ब्लैक पेपर, गोलकी, और उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। और अब जाएगा कॉर्नफ्लोर। हम इसे हाथों से मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा पानी लेके मैं अच्छे से इन्हें मिक्स कर लूंगी, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है पनीर के ऊपर अच्छे से आ जाए और पनीर को फ्राई करने में आसानी हो। तो इस पे कॉर्नफ्लोर का पूरा कोट जब अच्छे से आ जाएगा तो ये बहुत अच्छे से फ्राई होगा। तो यहाँ पे मेरा पनीर जो है अच्छे से मैरिनेट हो गया कॉर्नफ्लोर के साथ। मैंने पूरे कॉर्नफ्लोर को इसके ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। मैंने इसको ढक दिया है और इधर मैं अपना कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ और इसे फ्राई करने का तैयारी करती थी। इसे मैं सेल्लो फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई चढ़ चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैंने ऑयल डाल दिया है और पनीर को मैं सेल्लो फ्राई करूंगी। मेरा तेल यहाँ पे गरम हो चुका है, तो अब हम लोग करेंगे पनीर को फ्राई। तो गाइस, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा से भी बना सकते हो, या फिर अरारोट का आटा जो होता है उससे भी बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नफ्लोर ही हो। तो चलिए, अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं चारों तरफ से उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अब मैं इसी ऑयल में क्या करने वाली हूँ, ग्रेवी तैयार करने वाली हूँ। इसी में मैं इन सबको फ्राई करूंगी, उसके बाद ग्रेवी तैयार करूंगी। तो सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन, डालूंगी हरी मिर्च, हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। हल्का सा मेरा लहसुन जो है भून गया है। और अब मैं डालूंगी प्याज और शिमला मिर्च। इन सबको अब हम हल्का सा भून लेंगे, एकदम हल्का सा हमें इसे भूनना है, बस इसका कच्चापन मर जाए और हल्का सा क्रंचीनेस रहे, इस तरीके का हमें भूनना है। 1 से 2 मिनट हम इसे भून लेंगे, ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है। यहाँ पे मेरा सब्जी जो है हल्का भून चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए, अब हम इसमें कुछ सॉसेस डालेंगे। कौन कौन से सॉस डालेंगे वो अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी डार्क सोया सॉस 1 चम्मच के करीब। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें टोमेटो सॉस। तो यहाँ
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया टोमेटो सॉस, एक चम्मच के करीब मैंने टोमेटो सॉस डाला है। और अब इसमें डालूंगी रेड चिली सॉस, तो रेड चिली सॉस भी हाफ चम्मच के करीब मैंने डाला है। और अब मैं इसमें डालूंगी वेनेगर, चिली वेनेगर, तो ये भी मैंने हाफ स्पून से थोड़ा सा कम, 1 टीस्पून के करीब डाला है। वही तो चिल्ली पनीर जो है सॉसेज से ही बनता है, अगर सॉस नहीं होगा तो हमारा चिल्ली पनीर जो है टेस्टी बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो सॉसेज का ही मेन रोल होता है इसमें। तो अब मैं एकदम हल्का सा इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि जितने भी सॉसेज मैंने डाले हैं सब में नमक होता है, प्लस पनीर में भी मैंने नमक डाला है। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ले लिया है, यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया, ब्लैक पेपर भी डाल दिया, सारे सॉसेज भी डाल दिए। और अब बारी है ये जो मैंने लाल मिर्च का पानी तैयार करके रखा था, लाल मिर्च पाउडर का, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो अब इसमें जाएगा ये लाल मिर्च का पानी, इन सबको मैंने डाल दिया है। और अब हम हल्का सा इन्हें पका लेते हैं, आधा एक मिनट, ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब हम साथ ही डाल देंगे पनीर, मैंने पनीर भी डाल दिया है। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस पोजीशन पर भी इसे खा सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ग्रेवी डालने वाली हूँ, तो ग्रेवी के लिए अब मैं इसमें डालूँगी ये कॉर्नफ्लोर का जो मैंने पानी तैयार किया था, तो अब मैं इसमें ये पानी डालूँगी। तो कॉर्नफ्लोर का पानी इसलिए मैंने बना के रखा था ताकि मेरी पनीर चिल्ली की ग्रेवी जो है गाढ़ी हो, थिकनेस के लिए ये डाला जाता है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी, यहाँ पे मैंने एकदम हल्का सा पानी ऐड किया है। और ये सबसे लास्ट में जाएगा, ये क्रंचीनेस के लिए होता है, इसे डालने से स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और एक क्रंचीनेस ऐड होता है पनीर चिल्ली में। तो चलिए मैं फटाफट से मैं इसे डालती हूँ। सो गाइस, तो फाइनली यहाँ पे मेरा पनीर चिल्ली बनके रेडी है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा यमी यमी सा पनीर चिल्ली बनके रेडी है, तो अब मैं इसे इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वाइट तिल गार्निशिंग के लिए। सो गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा पनीर चिल्ली बनके रेडी है। तो चलिए अभी मैं माही को इसे दिखाती हूँ और माही को देती हूँ खाने के लिए और उसे पूछती हूँ कि कैसा बना है। मम्मा का मेहनत अब कैसा है वो माही बताएगी कि मम्मा ने कैसा बनाया है। तो माही का ये क्रिसमस ट्रीट है ना, केक से अच्छा तुम्हें ये लगा ना। तो माही को कुछ तीखा और चटपटा खाना था, तो अभी देखती हूँ माही को कैसा लगता है। अभी माही टेस्ट करेगी और मम्मा को बताएगी कि पनीर चिल्ली कैसा बनाया है ना। आराम से, गरम है बहुत टेस्टी, और चेहरा देख के आपको पता चल गया होगा, और खाते हुए देख के चेहरा का खुशी से आपको पता चल गया होगा। तरफ से क्रिसमस ट्रीट बेस्ट अमेजिंग, वो भी मम्मा के हाथ का बना हुआ पनीर चिल्ली, रेस्टोरेंट से भी अच्छा, रेस्टोरेंट जैसा बना है बेटा, उससे अच्छा है। यस, स्वीटनेस है ना, सब बैलेंस। तो अगर आप लोगों को मेरे पनीर चिली का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी थोड़ी देर में रात के 12 बजने वाले हैं, नहीं सॉरी 11 बजने वाले, गलत टाइम देखिए अभी। तो मैं ये बोल रही थी आज 24 है, कल क्रिसमस है, तो आज हम लोग चर्च जाएंगे। तो यहाँ से मम्मी भी आ रही हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, कोट पहनी हुई रेड कलर का ड्रेस, मेरा वही ड्रेस है
जिसमें हम लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हुए वो की थी। मम्मी ने बस कोट डाला है, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्च जाएंगे। मुझे अपने बाल खोल लेने चाहिए, मुझे इतना तो अच्छे से लगता है। लेट्स गो। क्या ले रहा था? चार्ज नहीं ले रहा, बंदा चार्ज नहीं ले रहा था। दिल्ली वाला भाषा सीख गई है थोड़ा सा। कुछ नहीं चार्ज ले रहा है बंदा। टॉफी खाओ, टॉफी खाओ, टॉफी 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 खाइए। स्विंगम में टॉफी में फर्क होता है। क्रिसमस मनाइए, टॉफी खाइए, क्रिसमस खाइए। बोल तो रहे हैं कि टॉफी है। उस भैया के इतना बड़ा शॉप है। क्या नाम है? क्रीम फिल्स। मजा आता है। मुंबई गोवा बीच, गोवा में होगा एकदम। गोवा में तो खाली अंग्रेज लोग ही रहते हैं। हाँ सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हो चर्च कितना सुंदर सा सजा हुआ है। और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट नाइट आए हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा नहीं है। अभी 11 बज रहा है रात का। और ये है पटना वुमेन्स कॉलेज, तो यहाँ चर्च भी है। ये आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में ना। एक खुद रुक गया है। सो गाइस, तो आप लोग ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे ये रहे जीजस ऊपर में। ये वाह। हाँ वाह वाह, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब। वाह, बहुत ही सुंदर है ना बेटा। अब थोड़ा लेट से आया ना तो अच्छा, नहीं तो बहुत भीड़ रहता है ना, ऐसे घूमने का भी मौका नहीं मिलता। बहुत सुंदर सजाया गया है एकदम ना, हम लोग को पता ही नहीं था। बहुत ही अच्छा सजाया गया है ना, और भीड़ भी बहुत कम है, लेट नाइट आए हैं, तो ये चीज बहुत अच्छा है ना। इस साल का ये आज का दिन सबसे छोटा दिन है, कल 25 दिसंबर हो जाएगा। 25 दिसंबर को ऐसा कहा जाता है कि 25 दिसंबर से दिन जो है बड़ा होने लगता है और रात जो है छोटी होने लगती है, तो माना जाता है। तो कल बड़ा दिन है एक तरह से, तो कल से न्यू ईयर की शुरुआत हो जाएगी। यस सो गाइस, तो चलिए फाइनली अब हम लोग चलते हैं घर। हम लोगों ने चर्च में पूजा भी कर लिया है, गॉड से प्रार्थना भी कर लिया है, और मैंने एक रील्स भी बना लिया है।
Merry Christmas, Father. Merry Christmas.